चलिए तो अभी हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है और इसके बाद बस चैप्टर 1 और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइंस। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जानेंगे। इस पूरे कंप्लीट वीडियो को हम लोग दो पार्ट में करें, एसिड और बेस एक साथ और सॉल्ट अलग। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे एसिड और बेस के बारे में। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट, तो उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो एसिड मतलब क्या होता है? तो एसिड एक तरह का ऐसा लिक्विड है जो जनरली हम अपने आसपास के डेली रूटीन में देखते हैं। जैसे बैटरी, जानते हैं बैटरी, बैटरी में जो पानी होता है कभी जमीन पे गिर जाता है तो खौलने लगता है, तो कहते हैं कि इसके अंदर क्या है? एसिड। एसिड। एसिड की बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं। नींबू, नींबू खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, बाकी हमारे स्टमक में, बायोलॉजी में पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो अगर बहुत गौर से अगर इसमें हम लोग विचार करें तो पूरा का पूरा हम लोग इससे घिरे हुए हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट से। बिना इन तीनों के मौजूदगी के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। यूं अगर कहा जाए तो अगर हम पूरे साइंस को बहुत डिटेल में देखते हैं तो साइंस का मतलब ही है कि हमारे लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, यानी हर एक चीज जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं वो सब हमसे क्या होती है? लिंक होती है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अभी देखो एसिड बेस सॉल्ट की बात करो, अगर ये ना हो तो क्या आप खाना पचा पाओगे? नहीं पचा पाओगे। नहीं पचा पाओगे तो आप खाना पचेगा ही नहीं, एनर्जी बनेगी ही नहीं, जिंदा रहोगे ही नहीं, खत्म कैसे हो? बात है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स की। क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट तो आप जब जमीन पे गिरेगा तब ना पता चलेगा कि एसिड है, या फिर किसी अगर कभी कभी क्या होता है आप सुना होगा एसिड थ्रो करते हैं चेहरे पे, ठीक है, जो मतलब कि मनचले आसिक होते हैं वो फेंक देते हैं एसिड, उसके बाद पता चलता है क्या घटना घटी है। लेकिन ये सब रोज रोज की भावना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसे पता करें कि कौन एसिड है कौन बेस है, उसका एक तरीका होना चाहिए ना। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ रिसर्च करके क्या बनाया है? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द लिक्विड और गैस, गैस में लिक्विड, जनरली लिक्विड, लिक्विड इज एसिड और बेस। इन दोनों को कैटेगराइज करने में वो क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये हो गया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सोसाइटी में आराम से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, और सिंथेटिक का मतलब जिसको हम केमिस्ट्री के लैब में क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, और प्रिपेयर करने के बाद उसका उपयोग करते हैं। तो अगर गौर करो तो इंडिकेटर में जो नेचुरल है उसमें कौन है? लिटमस, और कौन है? टर्मरिक, और कौन है? रेड कलर। तो टोटल बेटा तीन है नेचुरल इंडिकेटर्स में, एक है लिटमस, एक टर्मरिक, एक रेड कलर। जो लिटमस है ना, लिटमस वो बनता है एक तरह के पौधे से, एक तरह के प्लांट से, जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है बेटा? लाइकेन। लाइकेन से बनता है, और गौर करना कि जो लाइकेन होता है ना वो अक्सर कहीं कहीं जहां जहां फेवरेबल कंडीशन होता है वहां पे जम जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसी जगह, शहरों में जाओगे आप तो जो लाइकेन होता है ना, अगर शहरों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है तो लाइकेन का कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर के होते हैं लाइकेन। ओरिजिनल लाइकेन किस कलर के होते हैं? ग्रीन। ग्रीन का मतलब सब कुछ क्या है? ठीक है। जैसे हम लोग के आसपास में जो आपको लाइकेन नहीं है वो कैसे दिखेंगे? ग्रीन दिखेंगे। लेकिन अगर तुम चले गए शहरों में, जहां पे जैसे दिल्ली जैसे शहरों में गर्मी के टाइम में मतलब पोल्यूशन बहुत हाई होता है, वहां पे आपको लाइकेन किस रंग का दिखेगा? रेड कलर का, जिसे पता चल जाता है कि हमारे एटमोस्फेयर में एसिडिटी बढ़ गई है। समझा? तो लाइकेन लिटमस हो गया। दूसरा क्या? टर्मरिक। टर्मरिक माने हल्दी। हल्दी का उपयोग करते हैं हम लोग एज अ इंडिकेटर। और तीसरा है रेड कैबेज। रेड कैबेज का मतलब जो लाल बंद गोभी होती है ना, गोभी होती है लाल बंद गोभी, जंगली गोभी भी कहते हैं, तो रेड कैबेज होता है, इसका भी यूज हम इंडिकेटर तौर पे करते हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक में, एक मिथाइल ऑरेंज और एक है बेटा फिनोक्टलीन। एक है आपका मिथाइल ऑरेंज और एक है आपका फिनोक्टलीन। इन दोनों को हम क्रिएट करते हैं कहां पे, तो इन दोनों को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं और लैब में प्रिपेयर करने के बाद हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना के रखा है जिसमें इधर के साइड में हमने लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्टलीन, टर्मरिक और रेड कैबेट, इन सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी एसिड के केस में जो लिटमस होगा वो ब्लू क्या कर देगा, रेड कर देगा, और बेस में क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड में कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है, और बेस में कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। बाकी फिनोक्टलीन होता है, एसिड में डालोगे कलरलेस हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो कौन सा रंग देगा, पिंक। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मरिक, तो टर्मरिक में तो हल्दी होता है, एसिड में डालोगे कोई असर नहीं होगा, बेस में डालोगे तुरंत इसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड। और रेड कौन सा, ब्लडी रेड, कौन सा रेड, ब्लडी रेड, खूनी लाल होता है। ठीक है, कभी चूना में तुम हल्दी डालना, आपको वही खूनी लाल निकल के दिखेगा, जो हमें बताता है कि जो टर्मरिक है वो बेस से अच्छा रिएक्ट करता है और हमें इंडिकेट करता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रेड कैबेज के बारे में। ठीक है, रेड कैबेज में एसिड में आपको कौन सा कलर मिलेगा, रेड, और बेस में कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन। तो ये था इंडिकेटर जो आपको कलर दिखता है, मतलब आप आंखों से देख सकते हो। ठीक है, अब नीचे इंडिकेटर एक है जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो इसमें दो है, एक ओनियन और एक वनीला। ठीक है, ओनियन का जैसे गमक होता है ना, महक होता है प्याज का, अगर तुम बेस डाल दोगे तो उसका प्याज का महक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, और वैसे ही वनीला में अगर बेस आपने डाल दिया तो उसका महक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि एसिड के संग इन दोनों का महक वैसे बना रहेगा, बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनका ये बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन है बेस। फिर नेक्स्ट है, और बात करते हैं इंडिकेटर्स हो गया खत्म, अब हम बात करते हैं एसिड की। तो एसिड क्या होता है, तो एसिड एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है, H+ प्लस आयन देता है। तो जो H+ प्लस आयन दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, तो ये होता है सॉल्ट टेस्ट का होता है। कौन सा टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट, सॉल्ट का मतलब खट्टा। ठीक है, जब भी आप एसिड को टेस्ट करोगे तो कैसा महसूस होगा, खट्टा महसूस होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नींबू खाया है, नींबू किस कौन सा टेस्ट देता है, खट्टा। मौसमी, ठीक है, आम जब पक्का नहीं रहता है तो उन सभी के अंदर एसिडिक बिहेवियर पाया जाता है। ठीक है, खट्टे के अंदर। तो ये सॉल्ट टेस्ट उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड का। और भी एसिड की अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो एसिड की ओरिजिन में दो तरह का एसिड होता है, कौन कौन सा, एक ऑर्गेनिक और एक मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक का मतलब पता है ना, ऐसी एसिड जो लिविंग बींग्स में पाए जाए, मतलब जिंदा लोगों में पाए जाए उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। और ऐसे जो जिंदा लोगों में ना पाए जाए, एक्सेप्शन है, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल। तो ऑर्गेनिक कौन कौन सा है, जैसे साइट्रिक जूस, ऑक्जेलिक एसिड, सैट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, ठीक है, और नींबू का रस, ये सब किस में आता है, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में लिविंग नहीं आता है। आप खाते नहीं हो, आप खा सकते हो ना, मौसमी खाते हो, खट्टा खाते हो, हाँ बस। तो नेक्स्ट है मिनरल की बात करते हैं। मिनरल का मतलब जिसे हम सेवन नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या तुम ये बताओ कि लैब में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्ट पी सकते हो, नहीं पी सकते, सेवन नहीं कर सकते। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रिक एसिड। तो टोटल कितने तरह के मिनरल एसिड होते हैं, तीन, कौन कौन सा, HCl, H2SO4 और HNO3। ये तीन तरह के एसिड आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, इनका नाम है। इन तीनों कौन से जी बोलते हैं बेटा, मिनरल। क्यों, क्योंकि ये धरती से निकलते हैं,
धरती से निकल के बाहर आते हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको हम ऐसे टच नहीं कर सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, अब इनके अमाउंट की बात करते हैं। तो जानते हो जब भी हम HCl को यूज करते हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हर जगह यूज करते हैं, कहीं कहीं हम उसका हल्का फॉर्म भी यूज करते हैं, जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा एसिड जिसके अंदर 0% पानी हो, कितना पानी 0%, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर पानी का अमाउंट अच्छा खासा मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट। क्या बोलते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट के अंदर पानी का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर कितना होता है 0% होता है, मतलब एकदम पानी नहीं होता है उसके अंदर 0%। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो ज्यादा खतरनाक है, डाइल्यूट थोड़ा कम खतरनाक है, उससे थोड़ा लेट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक जो स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेंट्रेटेड, उसको खोलोगे ना उसमें से फ्यूम निकलेगा, फ्यूम समझते हो, सफेद सफेद धुआं निकलता है उसके अंदर से, देखे हो ना एसिड में से निकलते हुए, लैब में गए होगे देखोगे एसिड में से सफेद रंग का फ्यूम निकलता है, व्हाइट फ्यूम, जो बताता है कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। समझा? चलो नेक्स्ट है, कॉन्सेंट डाइल्यूट के बारे में बात करते हैं, एक और है स्ट्रॉन्ग और वीक। कौन है स्ट्रॉन्ग और वीक? तो स्ट्रॉन्ग कौन है, जैसे जो कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग कौन है जो कॉन्सेंट्रेटेड है प्लस क्या है मिनरल, वो स्ट्रॉन्ग है। और वीक कौन है, जो ऑर्गेनिक है, जिसको हम खा पी सकते हो, क्या है वीक है, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो खा पी पाते नहीं, खा पाते कभी कभी, अगर तुमको एकदम खट्टी चीज, एकदम खतरनाक वाली खट्टी चीज दे जाए तो उनको खाने के बाद तुम्हारा जीभ गल जाए, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा खट्टा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, समझा, ये बताता है। इसमें तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, यानी एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर सोर माने खट्टा, ठीक है। दूसरा, एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में परिवर्तित कर देता है। तीसरा, एसिड को जब तुम पानी में मिला दोगे, यानी क्या कर दोगे उसको डाइल्यूट कर दोगे, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, समझे, जब डाइल्यूट करोगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है, क्या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। आयंस के फॉर्मेशन के लिए आपको सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और सॉल्वेंट का नाम क्या है, वाटर, पानी, H2O, और कोई नाम है तो बोल दो उसको भी, ठीक है, जल, जल, वंस अपॉन अ टाइम, समझ आया, यस सर। चलो नेक्स्ट है बेटा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। बात किए थे हम लोग, एग्जांपल है, जैसे आप किसी मेटल को, जिंक को HCl से रिलीज करोगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस, और ये गैस कहां जाएगा, ऊपर। तो कैसे पता चलेगा कि H2 गैस निकल रहा है, तो हमने बताया था टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, इस गैस को कलेक्ट करेंगे और फिर बर्निंग कैंडल के ऊपर लेके आएंगे तो कौन सा साउंड निकलेगा, पॉप अप साउंड निकलेगा। क्लियर? चलो तो ये था हम लोग का तीसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब भी एसिड को हम मेटल कार्बोनिक के संग रिएक्ट कराएंगे, किसके संग, एसिड को मेटल कार्बोनेट के संग रिएक्ट कराएंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, CO2। खाली CO2 नहीं मिलेगा, और भी मिलेगा, लेकिन हमको मेन किसकी चर्चा करनी है, CO2। जो CO2 निकलेगा उसको टेस्ट कैसे करोगे ये बताओ, हाउ कैन यू टेस्ट द दैट इट इज CO2, लिटमस पेपर से बेटा कब CO2 टेस्ट करने लगे हम, ठीक है, वो CO2 है, वो वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता,
कि सामने अट्रैक्शन है तो तुरंत पिघल जाएगा, तुम पिघल सकते हो, वो नहीं पिघल सकता। ठीक है बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब बताओ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से और CO2 के टेस्ट से बेटा कोई भी रिलेशन है? बन जाएगा। बनाओ बनाओ, चलो हम बताते हैं आपको। आप लोगों नाम सुना लाइम वाटर? यस सर। तो कहते हैं चूना पानी, जब चूने घोल दो क्या घोल के पूरा सफेद हो जाएगा, उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, नीचे चूना बैठ जाएगा, ऊपर जो पानी रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइम वाटर। लाइम वाटर देखने में कैसे दिखता है? नॉर्मल वाटर की तरह नॉर्मल वाटर दिखता है। अब लाइम वाटर में जब तुम CO2 पास कराओगे तो CO2 पास होने से वो लाइम वाटर किसमें चले जाएगा? नहीं प्रेसिपिटेट में नहीं, लाइम वाटर चेंज मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर किसमें परिवर्तित हो जाता है? मिल्की में। ठीक है, और जब उस मिल्की लाइम वाटर में फिर से और भी CO2 दे जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा फिर से वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो दो केस बनता है, एक लाइम वाटर में CO2 डालोगे तो मिल्की हो जाएगा, दूसरा मिल्की में फिर CO2 डालोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? लाइम। CO2 लिक्विड होता है, CO2 इज द गैस, ये जो तुम अभी निकालोगे वो क्या बेटा? उसका तरीका है, उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके ट्यूब में भरा हुआ लाइम वाटर होगा, उसके अंदर ट्यूब को डिबो देंगे, जब उसके अंदर CO2 जाएगा तो बबल बबल निकलेगा अंदर वहां से। पानी में सांस लेते हो, गैस निकालते हो तो क्या निकलता है? बुलबुला निकलता है ना, वैसा ही उसमें भी निकलता है। तो धीरे धीरे पानी में क्या हो जाता है? मिल जाता है वो जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसिड रिएक्ट विद बेस। बताओ एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो जब भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। और क्या बनाएगा? वाटर। दो चीज बनता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे एसिड में ले लो कौन सा? HCl, और बेस में ले लो NaOH। ठीक है, क्या बना देगा ये? ये बन जाएगा NaCl, और इधर क्या बनेगा? H2O। यानी कि एसिड और बेस मिलके क्या बना है? सॉल्ट और वाटर। तो पता है कभी भी हमारे स्टमक में जब ज्यादा एसिड बन जाता है तो हम क्या पीते हैं? इनो। काम बना है 6 सेकंड, यही होता है ना। तो करता क्या है इनो? इनो का नेचर होता है कैसा? बेसिक होता है। पेट में क्या रहता है? एसिड। ये दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो पेट में ठंडक हो जाती है, लगता है कि कुछ सब कुछ जितने भी युद्ध चल रही थी वो सब शांत हो गया अंदर, समझे? ये था बेस कंडीशन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। क्लियर हुआ? इस रिएक्शन का बेटा एक नाम है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस मिले तो सॉल्ट में दोनों में से किसी का भी नेचर नहीं रहता है। सॉल्ट खा सकते हो ना? नहीं खा सकते तुम? खा सकते हो सॉल्ट को? तो एसिड को खा सकते हो? आसानी से नहीं खा सकते। बेस को खा सकते हो? आसानी से नहीं खा सकते। लेकिन सॉल्ट को हम आराम से खा उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, पियो नमक पानी, क्या दिक्कत है? अच्छा किस वाले केस में? एसिडिटी केस में। एसिडिटी केस में नमक जो है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अगर तुम एसिड में नमक डालोगे तो कोई असर नहीं होगा उस पे, एसिड पे, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, बजाय वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, वहां पे किसकी आवश्यकता है? तो अगर जस्ट सपोज कि तुम मैथ का पेपर जाओगे तो उसमें साइंस नहीं लिखोगे, लिखोगे क्या? मैथ। अब तुम तो वही बात कर रहे हो मैथ के पेपर में साइंस लिखने का, तो जब साइंस लिखोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? किंग। यू आर द किंग नाउ, तुम्हारी जैसी परिस्थिति किसी की भी नहीं हो सकती, समझ रहे हो? हाँ या ना? मेहनत करना चाहते I am very helping nature. सबकी हेल्प करता हूँ। बारे में? नींबू पानी से क्या? नींबू पानी। नींबू पानी से क्या? बोलो। सब बोल रहा है। जैसे कि जब जैसे बोलो। अंदर जलन से कोई चाहता है। अंदर जलन होगा तो नींबू पानी नहीं पीना चाहिए फिर। क्योंकि
क्योंकि पहले से एसिड है, एसिड में एसिड डाल के और फैला रहा है, ठीक है। जब अनपच होता है ना, अनपच, तब हम नींबू पानी पीते हैं। और जब एसिडिटी होती है, दो केस है, एक केस जिसमें एसिड आपके बॉडी में नहीं बन रहा है, तब तुम नींबू पानी पी के एसिड बनाते हो। दूसरा केस, आपके बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसको फिर क्या करते हो, आप हटाते हो। समझा दोनों केस आता है। ये बताइए कि नमक बेस होता है ना? नमक नहीं, नमक बेटा तुम नॉनसेंस लड़के से सवाल पूछो बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्ट, तो मैंने बेस को बगल में सॉल्ट क्यों लिखा हुआ है? बेस एंड सॉल्ट तीनों अलग अलग है बेटा। यू आर गुड स्टूडेंट। सर उसमें जो रिएक्शन हुआ है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना। व्हाट डू कॉमन इन ऑल एसिड्स, यानी सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है? तो सभी एसिड्स में एक चीज कॉमन होता है कि जब भी हम उसको सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो H+ आयन देता है। यही सबसे कॉमन चीज है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा चीज कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? कि वो जब भी आप लिक्विड में डालोगे, सॉल्वेंट डालोगे, तो क्या देगा, रिलीज करेगा H+ आयन, जो वो आइडेंटिटी है किसका, कि वो एसिड। अगर वो दूसरा कुछ होता तो H+ आयन नहीं देता, ठीक है। तो H+ जो भी आते हैं तो क्या बोलेंगे हम, एसिड। क्लियर। नेक्स्ट है पीएच स्केल एंड एप्लीकेशन। तो पीएच स्केल क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने एसिड्स पढ़ा, ठीक है, कि कौन कौन से एसिड्स हैं। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे बेस। जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर हम बताएंगे आपको पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में, क्या कि एसिड और बेस को कैसे पता करोगे कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, ठीक है। तो पीएच स्केल को आखिरी में इसको चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा फिर से किसकी, बेस की, ठीक। तो चलिए बेटा हम लोग बात करेंगे अब दूसरा पार्ट, इसका नाम क्या है, बेस, ठीक है। बेस में क्या सेंस है? तो बेस में जो इसकी ओरिजिन की वैसे बात करें तो दो तरह के बेस होते हैं, ठीक है। उससे पहले बात करो तो जब भी हम बेस को पानी में घोलते हैं ना, तो ये अब कौन सा आयन देता है, OH- देता है। और जो भी OH- आयन दे तो समझ लो कि वो क्या है, बेस। इधर क्लियर, 100% क्लियर कट, इस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, समझ लेना, ठीक है। उसके बाद है बेटा, तो वीक में, वीक का मतलब जो कम OH दे वो वीक, और जो ज्यादा OH दे वो स्ट्रॉन्ग, यही ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग में कौन है, एक KOH है, एक NaOH है, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। जैसे एसिड में तीन थे ना स्ट्रॉन्ग, वैसे ही बेस में दो हैं जो तगड़े वाले हैं, खतरनाक वाले हैं सब। और वीक में है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक वाले हैं, ठीक है। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बात कर लो आप तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब वीक वाले हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों तगड़े वाले हैं, खतरनाक वाले, इनको आप ऐसे हाथ पे नहीं उठा सकते। जैसा ऐसे खदड़ देता है ना, इनका भी नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर, कैसा होता है, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है खदड़ने का नेचर। अगर कहीं पे रख दोगे हाथ पे, बॉडी पे, उसको क्या कर देगा, खदड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत डेंजरस चीज है ये, जैसे एसिड डेंजरस है वैसे बेस भी डेंजरस है। एसिड जो है, अभी एसिड में था कि उसको हम लोग दिखाया था मिनरल में और ऑर्गेनिक में, उसी तरह हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग में इसको बांटते हैं, किसको, बेस को। उसके बाद जो भी बेस पानी में घुल जाते हैं, एक बार जान लो, सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते, ठीक है। जो भी बेस पानी में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं उनको, अल्कली। तो द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट के हिसाब से कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। सिंपल सी बात है, पानी में जब मिलाओगे, पानी जब उनके अंदर होगा तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, डाइल्यूट, और जब पानी नहीं होगा तो कैसे होंगे, कंसंट्रेटेड। जैसे एसिड में था, पानी होता था तो डाइल्यूट, अब पानी नहीं होता तो कंसंट्रेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, तो प्रॉपर्टीज में है कि जो बेस होता है उसका टेस्ट बीटर होता है। कैसा होता है, बीटर मतलब कड़वा टेस्ट का होता है। उसका कैसा था,
खट्टा, इसका कैसा है कड़वा। उसके बाद है इसको जब टच करोगे पेस्ट का ना तो बिल्कुल साबुन जैसा महसूस होगा। साबुन टच करते हैं हम लोग, वैसे ही जब उसको टच करोगे किसको पेस्ट को तो जैसे साबुन ना स्लिपरी स्लिपरी वैसा ही महसूस होता है। नेक्स्ट है जो बेस है वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। देख लो जो बेस है वो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। उसके बाद जब भी इसको आप पानी में मिला दोगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। बताओ ये सेम चार प्रॉपर्टी पिछले वाले में भी थे, बस वहां पे एसिड की जगह पे बेस लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी हम बेस को एसिड के संग मिलाते हैं तो क्या मिलता है, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा यूज ऑफ बेस और यूज ऑफ एसिड। तो एसिड का यूज कहां करते हैं, तो एसिड का यूज कंपनियों में, फैक्ट्रीज में, टेक्सटाइल्स में, मेडिकल में आप देख सकते हैं। बेस का यूज कहां करते हैं, सेम केमिकल, फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब देख सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका एक चीज इसमें जो पिछले में से बचने वाला है, अभी मैं शुरू करूंगा पेजेस क्लेरिफिकेशन। इससे पहले एक चीज है ये वाला डाइल्यूट, आखिर हम डाइल्यूट कैसे करते हैं जानते हो। ऐसा नहीं है कि एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड वाला, उसमें एक ग्लास पानी डाल के ऐसे कर दिए बन गए, नहीं, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, एक बीकर लेते हैं, बीकर में एक रॉड डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, ग्लास रॉड डालते हैं, लैब में मिलेगा आपको। उसके बाद इसमें डाल देंगे पूरा पानी, क्या डाल देंगे, पानी, और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो फ्यूम कर रहा है यहाँ पे एक एक बूंद क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करने पे वो सरक के कहाँ आता है, पानी में और छन छन की हवा आ जाए। ठीक है, एक ही बार नहीं उड़े सकते, एक बार उड़े लोगे ब्लास्ट हो जाएगा, बम की तरफ फट जाएगा और पूरा आपके शरीर पे आ जाएगा, फिर आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। क्लियर, तो ये था आपका डाइल्यूट वाला केस। अब हम बात करेंगे पीएच स्केल एंड एप्लीकेशन। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच का जो है ये हमारे सामने एक चार्ट है जिसके बारे में सबसे पहले बताया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में। ठीक है, उन्होंने केमिकल्स को लेके, एसिड बेस को लेके एक चार्ट बनाया जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन को बेस मान के इस चार्ट का प्रिपरेशन किया। ठीक है, इस चार्ट में उन्होंने इनिशियल 0 और फाइनल 14 नंबर दिया, जिसमें सेंटर में क्या दे दिया, 7 नंबर, जिसको उन्होंने माना क्या, न्यूट्रल। क्या मान लिया, न्यूट्रल, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर में कौन सा कलर देते हैं हम लोग, ग्रीन। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी देख लो ये हो गया 7 पे ग्रीन। अब इन्होंने बताया कि न्यूट्रल से आप नीचे की तरफ आओगे यानी कि जिस नंबर स्टार्ट होता है उधर आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, एसिडिक प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई भी ऐसा एसिड होगा तो उसका जो वैल्यू होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन का वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 7 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और अगर कोई बेस होगा तो उसका OH- बेस के तो OH- ना, तो ये 7 से 14 के बीच में लाई करेगा जो OH देगा। ठीक है, तो अभी देखो न्यूट्रल से जब हम लेफ्ट आते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब हम न्यूट्रल से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं घटाना बढ़ाना करूं लोगों तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और कंफ्यूज हो गए तो गलती लिख के आ सकते हो, इसलिए बस एक चीज है, तो लेफ्ट साइड में कौन बढ़ता है, H+, और राइट साइड में कौन बढ़ता है, OH-। तो ये H+ सबसे मैक्सिमम किसका होता है, 0 का। ठीक है, और सबसे मिनिमम कितना होता है, 6 का। ये OH सबसे मिनिमम किसका होता है, 8 का, और सबसे मैक्सिमम कितना होता है, 14 का। तो ये है इसका pH की स्टैंडर्ड वैल्यू, और इस चार्ट के मदद से हम किसी भी केमिकल को ये कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। समझा,
तो ये चार्ट समझ में आपको। अब इस चार्ट को कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें जो भी लेफ्ट का साइड है उसको हम रेड ऑरेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेड और ऑरेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और राइट साइड को किससे करते हैं? पर्पल और ब्लू से करते हैं। किससे करते हैं? पर्पल और ब्लू से करते हैं, समझे। तो अगर रेड और ऑरेंज इंडिकेटर में दिख रहा है आपको, तो समझ लेना वो क्या है? एसिडिक है। और अगर आपको पर्पल और ब्लू दिख रहा है तो समझना क्या है? बेसिक है। और अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो क्या समझोगे? मुझे कोई डाउट किसी को भी? तो ये था बेटा हम लोग का पीएच का पूरा सिस्टमैटिक मैकेनिज्म। ओके, अब इसमें एक चीज क्या है? इसमें एक चीज है ना कि जो अभी एसिड और बेस आपस में करते हैं ना, एसिड और बेस तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं ना। तो अगर इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड और इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तब जाके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। समझे? अच्छा सोचो, यहां से आया स्ट्रॉन्ग एसिड और यहां से आया वीक बेस, तो क्या वो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा? Yes, बनेगा। लेकिन उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। समझे? यानी जिसका पावर ज्यादा उसका नेचर दिखेगा, उसका बल दिखेगा, बाहुबल दिखेगा। समझे? उसी तरह अगर हम हाई देते हैं एनए, मतलब कि हाई देते हैं बेस को, हाई पावर बेस देते हैं और लो पावर एसिड लेते हैं, तो क्या सॉल्ट एंड वाटर बनेगा? बनेगा, ठीक है। लेकिन उसमें बेस का इंपॉर्टेंस दिखेगा, समय बेस का नेचर दिखेगा। न्यूट्रल कब होता है? जब दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, यानी कि इधर से 0 इधर से 14 सेम, इधर से 1 इधर से 13 सेम, इधर से 3 इधर से 12 सेम। तो ये सेम पावर। क्लियर टू यू? कोई डाउट किसी को? बोलो। एसिड और न्यूट्रल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता है, नो रिएक्शन, सिंपल घोल बनेगा, घोल। और वीक एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो वीक एसिड वीक बेस मिल जाएगा, तो वही सॉल्ट एंड वाटर। और बेटा चलो, तो बेटा ये था हम लोग का पूरा चार्ट। अब इसका एप्लीकेशन वो क्या है? तो हम लोग बात करेंगे, पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट में एसिड मिलता है, जब वो एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां बेस भी आता है, तो बेस आके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। लेकिन जब एसिडिटी होती है तो क्या लेते हैं हम लोग? इनो। इनो लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो एसिड होता है वो सॉल्ट एंड वाटर में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है टूथ डिके, हमारे दांतों का सड़ना, इसमें भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब रात को हम खाना खा के सो जाते हैं तो दांतों में जो फंसे हुए होते हैं खाने के पार्ट, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया और वायरस, वायरस नहीं, बैक्टीरिया उसको उस खाने को तोड़ के आप किसमें कन्वर्ट कर देती है? एसिडिक मिली में। सुबह उठते हो तो मुंह थोड़ा अजीब किस्म का रहता है, लेकिन जो ही आप टूथपेस्ट लगा के करते हो तो एकदम ठंडा महसूस हो। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो एसिड है और जो टूथपेस्ट है वो बेस है, दोनों आपस में क्या बना दिए? सॉल्ट एंड वाटर, इसलिए मुंह फ्रेश लगता है। समझे? चलो नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल में क्या है? तो सॉइल में क्या होता है, जब एक तुम कई बार अपने खेत में एक ही फसल उगाते रहोगे तो धीरे धीरे सॉइल की उर्वरक क्षमता खत्म होने लगती है, ठीक है। इसका मतलब कहते हैं कि वो सॉइल कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक। तो उसको दूर करने के लिए हम चूना का छिड़काव करते हैं। किसका? चूना का, ताकि फिर से सॉइल का पीएच नॉर्मल हो जाए, ताकि अच्छा फसल उगे। समझा? तो ये हो गया सॉइल का। नेक्स्ट है एसिड। एसिड क्या होता है? तो जब फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से धुआं ऊपर जाता है, बादलों में मिलता है, तो बादलों में वो जो कचरे होते हैं वो मिक्स होकर पानी में मिक्स हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। और फिर जब वो नीचे गिरते हैं तो किस फॉर्म में गिरते हैं? एसिड के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। बहुत हार्मफुल है, अगर हमारे स्किन पे गिरेगा वहां पे स्किन बर्न हो जाता है। कई बार होता है, अक्सर माना जाता है कि पहले बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले बारिश के पानी में एटमॉस्फेयर की जो गंदगी होती है वो नीचे गिरती है, तो अगर तुम नहाओ है तुमको पिंपल्स, एक्ने, सेक्ने सब हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए दिक्कत है, इसलिए नहीं आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ओके,
कोई भी नहीं नहा नहीं बस पहली बारिश में नहीं नहाते, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी नहाओ कोई दिक्कत नहीं है, एटमॉस्फेयर क्लीन हो चुका है ना, क्योंकि तुम अब साल भर का इकट्ठा किया हुआ आइटम पहली बार में गलत लोगे तो दिक्कत होगा ना। नेक्स्ट है हनी बी। हनी बी जानते हो ना मधुमक्खी, मधुमक्खी जब काटती है तो हमारे शरीर में क्या छोड़ती है, एसिड छोड़ देती है, तो बहुत जलन होती है, तो फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर बेस लगाते हैं यानी चूना लगाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे मधुमक्खी जो जो टंग का पावर होता है वो क्या रहता है कम होता है। नेक्स्ट है वास्प। वास्प मतलब हड्डा, जब हड्डा काट लेता है तो उस केस में हड्डा हमारे बॉडी में क्या छोड़ता है, बेस छोड़ता है, और उस केस में हमको क्या लगाना चाहिए, क्या प्याज की अलग चीज है, उस केस में हमको उसके ऊपर सिरका रगड़ना चाहिए, लेकिन गांव के लोग सिरका नहीं रगड़ते चूना लगाते हैं। हाँ हनी भी काटते चूना लगाते हैं और वास्प भी काटते चूना लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि वास्प जब काटता है तो शरीर में क्या छोड़ता है, बेस छोड़ता है, और वो बेस पे बेस डालो तो और ही स्ट्रांग हो जाता है, बस फूल के पुआ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निकल प्लांट। ये क्या होता है, तो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें से बहुत ही पतली पतली सुई की तरह कुछ निकला रहता है, कांटे टाइप का बहुत पतला, अगर उसको टच करो तुरंत हाथ में घुस जाता है, ठीक है, और फिर वो बहुत दर्द करता है, तो दर्द किस वजह से करता है, क्योंकि वो निकल प्लांट बॉडी में क्या छोड़ता है, एसिड, और जब एसिड छोड़ देगा तो वो जन्म लग रहता है, उसको कैसे सही करोगे, उस पर चूना लगा दोगे, आपका एसिड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, सॉल्ट वाटर बन जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे करके बेटा हम लोग एसिड और बेस खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे सॉल्ट।